हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेंथी क्राउड पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाइसेंस के रिगार्डिंग हमने पहले वीडियो बना रखी है कि आप परिवहन डॉट जी ओ वी डॉट इन की साइट पर रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस प्लस एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं परिवहन डॉट जी ओ वी डॉट इन की साइट पर, तो ये आज की खास वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस प्लस एड्रेस चेंज के लिए परिवहन डॉट जी ओ वी डॉट इन की साइट पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, लाइसेंस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना रखी है, चाहे LL हो, चाहे DL हो, चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे अपॉइंटमेंट लेने के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, फीस के रिगार्डिंग हो, या DL, LL, रिन्यूअल डुप्लीकेट प्रिंट से रिलेटेड हो, बहुत वीडियो बना रखी है। इनको आप देख सकते हो, जिनसे भी रिलेटेड आपकी क्यूरीज हैं उनको आप देख सकते हो, ठीक है ना। और साइन डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत है लाइसेंस के लिए, साइन फ़ोटो किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियो में। इनका डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करके आप सीधा वीडियोज़ पर जा सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट साइन इन या लॉग इन कर लीजिए। अगर आपने साइन इन या लॉग इन नहीं किया है, तो जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे तो साइन इन या लॉग इन के लिए मांगेगा, तब आप साइन इन लॉग इन कर लीजिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से हो जाएगा, रेड से स्लेट रंग का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इसको जैसे आप प्रेस करोगे तो इसमें तीन ऑप्शन आएंगे, तो ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों बेल आइकॉन दबाने का, कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में दोस्तों सर्च कीजिए परिवहन सेवा, उसके बाद सबसे ऊपर आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसमें दो ऑप्शन, व्हीकल रजिस्टर रिलेटेड सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस पर क्लिक कीजिए ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर। उसके बाद दोस्तों स्टेट चूज कर लीजिए, किसी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो रिन्यूअल लाइसेंस के लिए और एड्रेस चेंज करना चाहते हो, वो सब इसमें चूज कर लीजिए, ठीक है ना, किसमें एड्रेस चेंज करना चाहते हो वो सब। उसके बाद दोस्त इसमें आना है आपको अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर क्लिक कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आ रहा है सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल डुप्लीकेट अदर्स, इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद इसमें नीचे आ रहा है कि आप किन किन सर्विसेज के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये सब सर्विसेज इसमें दी हुई है, ठीक है ना। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, इसमें DL नंबर डालिए और DL नंबर डालने के बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। उसके बाद स्टेट चूज कर लेना है, स्टेट में भी आप एड्रेस चेंज और रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद इसमें RTO डाल दीजिए, कौन सा RTO है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद है, जो भी है वो आप डाल दीजिए इसमें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे, यानी DL नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, जैसे ही ये भी आपको दोस्तों, ये जो है ना स्टेट, ये भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे मांगेगा, ये आप डाल सकते हो। अगर नहीं भी डालोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें DL नंबर डालना है आपको और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करोगे ना, तो दोस्तों इस पेज पर आ जाओगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें यहाँ पे कन्फर्म दैट द अबोव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आर माइन, इस पर चूज कर लेना यस। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना आपको, कैटेगरी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें स्टेट चूज कर लीजिए, इसमें RTO चूज कर लीजिए। दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से, इस तरीके से इसमें यस कर लीजिए, इसमें स्टेट चूज कर लीजिए, इसमें RTO चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए, जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी ये चिप दिख रही है इसमें आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपका DL नंबर हो गया, यहाँ पे एक्सपायर्ड हो गया, यानी जो भी है इशू कब का एक्सपायर्ड कब का ये सब हो गया। इसमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप चूज कर लेना है, इसमें इसमें कुछ नहीं करना, जो भी है
क्योंकि आपको एड्रेस चेंज करना है और रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें से कुछ चेंज हो गएंगे। इसमें ब्लड ग्रुप चूज कर लीजिए, इसमें क्वालिफिकेशन चूज कर लीजिए, और उसके बाद एम्प्लॉयर कैटेगरी इसको ब्लैंक ही रहने दीजिए, सेलेक्ट ये जो है इस न्यू ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये जो भी है इसमें जो नया स्टेट है वो इसमें चूज कर लीजिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए उसकी। और ये जो है दोस्तों ये वाला, इसमें आपकी पुरानी डिटेल ही आएगी, ठीक है, उसको यूँ ही रहने देना। और नए स्टेट की जो है नया जो वो है आपका डिस्ट्रिक्ट, उसका पिन कोड डाल दीजिए इसमें। उसके बाद अगर सेम है, एड्रेस सेम है, सेम एज परमानेंट पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक भर जाएगा। आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि इसमें तो हमने तो स्टेट कोई और चूज किया, इसमें एड्रेस कोई और सा हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कीजिए। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इसमें आपको चूज करना होगा दोस्तों, जैसे चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल और डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट। विद रीटेस्ट दोस्तों तब आता है जब एक्सपायर को काफ़ी टाइम हो जाता है, एक साल से ज़्यादा टाइम हो जाता है, जब इसमें रीटेस्ट की फ़ीस भी मांगता है, इसमें एक्स्ट्रा फीस जाएगी इसमें आपकी, ठीक है ना। अगर रिन्यूअल या डीएल रिन्यूअल अगर आप डेट से एक साल यानी कि एक साल पहले भी आप करते हो ना, इसमें डीएल रिन्यूअल ही आएगा, ना कि विद रीटेस्ट। अगर एक साल आपके कंप्लीट नहीं हुआ एक्सपायर हुए को, तो डीएल रिन्यूअल ही आएगा उसमें, लेकिन एक साल से ज़्यादा हो जाएगा तब आता है ये विद रीटेस्ट, ठीक है ना। इस पर क्लिक कर दीजिए और चेंज ऑफ एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो इसमें ये जो ये आप कह सोच रहे हो कि ये क्या है, ये क्यों हाइड कर रखे है दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन की वजह से हाइड करनी पड़ती है मेरे को, ठीक है ना। उसके बाद बोथ एड्रेस है तो बोथ कीजिए, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, परमानेंट परमानेंट, मैं बोथ कर देता हूँ, उससे कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बोथ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप बोथ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इसमें स्टेट चूज कर लीजिए अपना, और इसमें डिस्ट्रिक्ट, ये सब कंप्लीट करने के बाद, ये सब होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप एड्रेस डाल रहे हैं, जो भी नया स्टेट है आपका और जो आरटीओ है न्यू, तो वो यहाँ पे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए मेरा दिल्ली का है और मैं उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, एड्रेस चेंज कर रहा हूँ इसका, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर आरटीओ आएगा, ठीक है ना। और इसमें एड्रेस डाल दीजिए, कंप्लीट एड्रेस, और उसके बाद जब इसको डाल दोगे आप, इसको अगर सेम एड्रेस है तो सेम एज परमानेंट पे क्लिक कीजिए, तो ये सेम हो जाएगा। इसमें प्रेजेंट एड्रेस टू बी प्रिंटेड ऑन इस, ये जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस जो है यही प्रिंट होके आएगा डीएल पे, जो स्मार्ट कार्ड डीएल है उसमें प्रिंट होके आएगा। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रही है सर्विसेज चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल, डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद है इसमें नीचे आई हेयरवेल डिक्लेयर दैट दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड आई बिलीव दैट पर्टिकुलर गिवन्स अबव आर ट्रू, इस पर क्लिक कर दीजिए ये बॉक्स है। और उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड इसको डाल दीजिए इसमें BY8CX7। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कीजिए। कंफर्म पर जैसे आप ये सबमिट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, यानी ये सबमिट हो गई आपकी फाइल और ये अक्नोलेज रिसिप्ट ओपन होके आ गई है। इसमें है चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल, रीवैलिडेशन एक्सपायर्ड डीएल एलएमवी मोटरसाइकिल विद गियर, और इसमें ये डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना होगा और वहाँ पे भी ये विजिट करना, इन डॉक्यूमेंटों के साथ तो विजिट करना होगा आरटीओ, ठीक है ना। उसके बाद डिटेल चेक कर लीजिए, अगर करेक्ट है तो ठीक है, अगर इनकरेक्ट है तो मैंने कैंसिल का प्रोसेस भी बताया हुआ वीडियो में, जो मैंने पहले वीडियो बना रखी है उनमें आप देख सकते हो, नहीं तो आप सीधा यूट्यूब पर डालिए कैंसिल डीएल एप्लीकेशन और स्पेस हिंदी क्राउड, तो वीडियो आ जाएगी मेरी। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें दोस्तों
दोस्तों क्या है इसमें सारा दिया हुआ चेंज ऑपरेटर्स, रीवैलिडेशन ऑफ एक्सपायर्डियल, रीवैलिडेशन ऑफ एक्सपायर्डियल। उसके बाद दोस्तों एक क्या है अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी पहले से ही क्लिक होके आ रहे हैं। अब आपको करना है प्रोसीड, प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करोगे इसमें एप्लीकेशन नंबर आएगी, डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे इसमें डिटेल्स आ जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर, ये ट्रांजैक्शन अप्लाइड, इन इन के लिए अप्लाइड किया है, इसमें बाद ही सब आ जाएगा। ओके पर क्लिक कीजिए। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे इसमें डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट, तीन डॉक्यूमेंट आएंगे, आपका DL आएगा और जो न्यू एड्रेस है उसका प्रूफ आएगा इसमें, और तीसरा मेडिकल अपलोड के लिए मांगेगा इसमें, ठीक है। इसमें चूज कर लीजिए ड्राइवर और ये सब डाल दिया मैंने। उसके बाद ये DL नंबर, ये DL अपलोड कर रहा हूँ इसलिए अपलोड पर क्लिक कीजिए। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो कन्फर्मेशन के लिए मांगेगा, कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म देख लो दोस्तों, देखो ये मैंने एड्रेस प्रूफ पहले ही अपलोड कर लिया है, उसके बाद DL अपलोड किया है, कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने मेडिकल ऐसे इसी तरीके से मेडिकल अपलोड किया था इसमें, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने एड्रेस प्रूफ DL अपलोड किया इसी तरीके से आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा इसमें ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला स्टेप वो कंप्लीट कर लिया है। आप फोटो साइन का कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप फोटो चूज कर लीजिए, इसमें साइन चूज कर लीजिए। और मैं साइज के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि इनका साइज क्या होना चाहिए। इसका साइज 10 KB से दोस्तों 20 KB के भी होना चाहिए, ठीक है ना। 10 KB से कम भी है तब भी चल जाएगा। वीडियो बना रखी है मैं, सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसके लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हो कोई भी दिक्कत अगर। और दोनों को चूज करने के बाद अपलोड एंड व्यू फाइल पर क्लिक कर लेना, ये सेव हो जाएगी। उसके बाद इसमें यानी इंसर्ट हो जाएगा ये। जैसे इस पर क्लिक करोगे अपलोड करोगे ना, यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगा, साइन दिख जाएगा और आ जाएगा यहाँ पर लिखा आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद जैसे ही सेव फोटो एंड इमेज फाइल पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा ये, यानी कि अपलोड फोटो सिग्नेचर कंप्लीट कर लिया है, अब फी पेमेंट का रह रहा है। और इस तरीके से आप रिन्यूअल प्लस एड्रेस चेंज के लिए parivahan.gov.in की साइट पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया है तो डॉक्यूमेंट आप री अपलोड किस तरीके से कर सकते हैं इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। और अगर आप फोटो सिग्नेचर आपने गलत अपलोड किया कर दिया हो और दूसरे अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें ऐसा कोई वो है ही नहीं इसमें, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑप्शन तो है इसमें parivahan.gov.in की साइट पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन तो है, लेकिन एक बार जो अपलोड हो गया ना, री अपलोड का ऑप्शन नहीं है। अपलोड का तो ऑप्शन है इसमें फोटो सिग्नेचर का, लेकिन parivahan.gov.in की साइट पर री अपलोड का कोई ऑप्शन नहीं है अभी, लेकिन डॉक्यूमेंट री अपलोड का ऑप्शन है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है बहुत, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कहाँ गया, लर्नर के रिगार्डिंग बना रखी है, DL के रिगार्डिंग बना रखी है मैंने। डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से अपलोड कर सकते हो, री अपलोड कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग बना रखी है। और अपॉइंटमेंट बुक किस तरीके से करते हैं, मोबाइल से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, फीस रिसिप्ट किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, वेरीफाई लर्नर पेमेंट स्टेटस किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे LL DL लर्नर जो भी है, लर्नर लाइसेंस डिटेल्स में किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, प्रिंट LL DL रिन्यूअल डुप्लीकेट किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन किस तरीके से कैंसिल डिलीट कर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर आकर हो गया किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, कंडक्टर लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये HD वीडियो या लर्नर लाइसेंस के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, टेम्परेरी कंडक्टर लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यूअल कंडक्टर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं,
करेक्शन मोबाइल नंबर में डीएल और एलएल में मोबाइल नंबर किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एलएल और डीएल में ही, अगर आप चाहो एलएल एप्लीकेशन में तो एलएल एप्लीकेशन में नहीं होगा, एलएल बनने के बाद इसमें करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद है लर्नर लाइसेंस टेस्ट क्वेश्चन सीरीज है प्रैक्टिस प्री प्रैक्टिस के लिए, इन सबको देख सकते हो कि एलएल के लिए किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट किस तरीके से खोज सकते हैं, और अगर पेमेंट फेल हो गई है वो पेमेंट फेल या पेंडिंग में चली गई है तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो कि इसको पेंडिंग या फेल में किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस में डिटेल्स में किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है ये फोटो साइन, ये वाली वीडियो है दोस्तों एल एल डी एल रिन्यूअल डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट फोटो एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करें, इनसे आप फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आया कि एल ए डी एल रिन्यूअल डुप्लीकेट की एप्लीकेशन किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद पे अपॉइंटमेंट किस तरीके से चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंडिया में, ठीक है ना। ये है अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूरत होगी। इसमें दोस्तों जब आप आरटीओ विजिट करो तो जो जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने ज़रूरी है जो, तो वो तो मस्ट है ही। फर्स्ट तो है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आप प्रिंट फॉर्म 1A पर क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद है वो तो वो ले जाने, उसको प्रिंट कर लेना, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म है। सेकंड है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर का ही अलाउड है, ठीक है, दो हो गए। और तीसरा है फी रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट जो है वो आपको ले जानी है, ठीक है। फोर है स्लॉट, जो जो आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे उसकी जो रिसिप्ट है वो ले जानी है, ठीक है ना। फोर हो गए दोस्तों। फिफ्थ है आपका एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपको ले जाना है, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी। सिक्स है दोस्तों डीएल, अपना डीएल ले जाना है, ठीक है ना, अपना डीएल और डीएल की फ़ोटो कॉपी ये ले जानी है, ये तो आपको लेकर जाना ही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने बताया कि आप parivahan.gov.in की साइट पर रिन्यूअल लाइसेंस, रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस प्लस एड्रेस चेंज के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कुछ भी पूछिए, कमेंट आप मैं आपके सभी कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूँगा। अभी तक मैंने लाइसेंस के रिगार्डिंग जितने भी कमेंट आए हैं मेरी वीडियो के में, ऑलमोस्ट दोस्तों मैंने 95% के आसपास कमेंटों का रिप्लाई किया ही है। और अगर आप जुड़े नहीं, जुड़ना चाहते तो मैंने प्रोसेस बता ही दिया कि आप जीमेल अकाउंट साइन इन लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, इस तरीके का हो जाएगा ये, ठीक है ना। और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इस तरीके में हो जाएगा ये ब्लैक। जैसे ही बेल आइकन प्रेस करोगे इसमें ऑल का ऑप्शन होगा, ऑल पर क्लिक करके इस तरीके का हो जाएगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।